हेलो दोस्तों, पीएफ से जुड़े बहुत सारे मेंबर नीचे कमेंट्स में हमसे प्रश्न करते हैं कि सर, हमारे एम्प्लॉयर ने डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं करी। सर, हमारे ऑनलाइन जो हम विड्रॉल के लिए जा रहे हैं तब फॉर्म 10 और फॉर्म 19 सी आ नहीं रहा। इन दोनों जो सवालों का जवाब एक ही है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं की है। यदि आपके एम्प्लॉयर ने आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं करी तो आपको विड्रॉल के समय केवल एक ही फॉर्म दिखेगा, फॉर्म 31, विच इज एडवांस रिफंड, क्योंकि पीएफ पोर्टल को लगता है आप अभी भी उस कंपनी में काम कर रहे हैं। और जो 10 और 19 सी है, विच इज फॉर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, वो आपको ऑनलाइन नजर ही नहीं आएंगे। इसीलिए आपकी डेट ऑफ एग्जिट आपके एम्प्लॉयर को मार्क करना बहुत जरूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे वो डेट ऑफ एग्जिट मार्क की जाती है। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, मैं हूं एक थर्ड जनरेशन लेबर लॉ कंसल्टेंट, और मैं और मंदीप उस चैनल को चलाते हैं जिसको आप जानते हैं लेबर लॉ एडवाइजर नाम से। दोस्तों, हमारे सभी जागरूक एम्प्लॉयज का इस नए एपिसोड में स्वागत है, और आइए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कैसे डेट ऑफ एग्जिट अपडेट की जाती है। उससे पहले आप हमारा सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, और सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन आता है उसे भी दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने से पहले पहली बात ये ध्यान से जान लें कि केवल और केवल आपका एम्प्लॉयर अपडेट कर सकता है, आप स्वयं नहीं। कई सारे लोग मेरे से ये प्रश्न करने लग जाते हैं कि डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने के लिए हम अपना यूएन और पासवर्ड कौन सा यूज करें। जी नहीं, आप नहीं कर पाएंगे, आपका एम्प्लॉयर ही कर पाएगा। तो बेहतर है कि ये वीडियो आप अपने एम्प्लॉयर के साथ शेयर करें और उससे बताएं कि डेट ऑफ एग्जिट कैसे अपडेट करनी है। तो आइए सीखते हैं अपने एम्प्लॉयर पोर्टल के द्वारा, जो आपका ओनर का पोर्टल है, उसके द्वारा डेट ऑफ एग्जिट कैसे अपडेट की जाती है। तो एम्प्लॉयर्स, आइए सीखते हैं कि अपने एम्प्लॉयज को एग्जिट कैसे करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले सर्च करना है ईपीएफओ एम्प्लॉयर पोर्टल, और आपको ऑलरेडी पता होगा लिंक unifiedemployer.epfo.gov.in। एम्प्लॉयर पोर्टल पर जाना है, इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड अपना फिल करेंगे और लॉग इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपको क्लिक करना है मेंबर पर, और मेंबर पर जाना है मेंबर प्रोफाइल में। मेंबर प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जिस एम्प्लॉय को एग्जिट करना है उसका यूएन नंबर सर्च करना है। आप उसके मेंबर आईडी से भी सर्च कर सकते हो, उसमें ऑलरेडी फिल्ड होता है, और आपकी जनरली मेंबर आईडी 001002 इस तरह से शुरू होती है। तो आप यूएन नंबर से सर्च कर लीजिए, मैंने अभी यूएन से सर्च कर लिया। देखिए, मेंबर की प्रोफाइल आ गई है। सिक्योरिटी रीजन के कारण हमने कुछ डिटेल छुपा रखी है, बट आप काम की बात समझिए। अब आपको यहाँ पर जाना है मार्क एग्जिट वाले सेक्शन में। मार्क एग्जिट वाले सेक्शन में आपको चार पांच चीजें दिखेगी, आइए समझते हैं ये क्या चीजें हैं। रिटायरमेंट मतलब यहाँ पर यदि वो व्यक्ति रिटायर हो गया है तो। सुपर एन्यूशन मतलब भी सेवानिवृत्ति होता है। इन दोनों केसेस में यदि व्यक्ति 58 साल के बाद या फिर शॉर्ट सर्विस करके रिटायर हो जाता है परमानेंटली, तो उसके केस में आपको ये फिल करना है। डेथ इन सर्विस, यदि सर्विस के दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो आपको ये फिल करना है। परमानेंट डिसेबलमेंट, यदि व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है उसके कारण अब वो जॉब नहीं कर सकता तो ये करना है। जनरली जो रीजन होता है वो होता है सिसेशन, यानी शॉर्ट सर्विस। यदि एम्प्लॉई आपको रेजिग्नेशन देके चला जाता है या किसी कारण से आपको उसको निकालना पड़ता है तो आपको यही रीजन वहां पे डालना है। डेथ अवे फ्रॉम सर्विस, यदि उसकी व्यक्ति की डेथ हो जाती है अवे फ्रॉम सर्विस तो आप ये डाल सकते हैं। इन पांचों रीजन को चूज करने के बाद आप उसका डेट ऑफ एग्जिट मार्क कर दीजिए। ध्यान दीजिए, यदि आपने डेट ऑफ एग्जिट गलत मार्क कर दी, उसकी सर्विस से पहले मार्क कर दी, तो उसको चेंज करवाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। आप करेक्ट डेट ऑफ एग्जिट ही मार्क करें। एक बार आप यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट मार्क करके सेव कर देंगे तो वो एम्प्लॉई एग्जिट हो जाएगा। मैं अभी यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा हूं, बट बस इतना सा ही आपको करना है। अभी एम्प्लॉई आप कैसे चेक कर सकते हैं कि इसका एग्जिट हुए कि नहीं, उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड पर आपको क्लिक करना है एग्जिटेड मेंबर्स में। एग्जिटेड मेंबर्स में आप एक्चुअली यूएन के आधार पर सर्च कर सकते हैं कि वो मेंबर कब एग्जिट हुआ इत्यादि। आप ऑल एग्जिटेड मेंबर पर जाइए और एक डेट सेलेक्ट कर लीजिए जब से आपको देखना चाहते हैं कि कब एग्जिट हुआ है। इसमें आप आज की डेट सेलेक्ट कर लीजिए और सर्च पर क्लिक कर दीजिए। इसमें आपके जो भी एम्प्लॉय एग्जिट हुए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, जो आपने एक्चुअली मार्क कर रखे हैं इस पीरियड के दौरान। तो इस तरह से दोस्तों आपने सीखा कि किस तरह से एम्प्लॉयज को एग्जिट करना है। तो एम्प्लॉयर्स, जैसे ही आपका कोई एम्प्लॉय लेफ्ट हो जाता है उसके कुछ ही दिनों में आप उसका डेट ऑफ एग्जिट मार्क कर दीजिए। इससे आपका ही वर्क कम होगा, आपकी हैसल कम हो जाएगी, वो अपना विड्रॉल वगैरह सारा काम ऑनलाइन कर पाएगा और आपको बार बार बॉदर नहीं करेगा। एक बार का काम सिस्टमेटिक काम होता है। और यदि आप इन सभी कामों के झंझट से दूर होना चाहते हैं तो एक अच्छा ESI और PF का कंसल्टेंट हायर कर लीजिए। उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट esipfadvisor.com, और आपके सारे काम स्मूथ मक्खन की तरह होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, जय हिंद।